ब्रो, रेसलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं। कठोर परिश्रम करने के बाद ही एक पहलवान प्रोफेशनल रेसलर बनता है। रोमन रेंस की बात करें तो दोस्तों वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके कई सदस्य WWE हॉल ऑफ फेमर हैं। पर रोमन रेंस के 3 ऐसे भाई भी थे दोस्तों जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। अगर रोमन रेंस के यह भाई आज भी जीवित होते तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा नाम होते। क्या हुआ था इनको और कैसे हो गई थी इनकी मौत, चलिए जानते हैं। उमागा। रोमन रेंस और द रॉक के कजिन भाई उमागा काफी हट्टा कट्टा शरीर वाले रेसलर थे और इन्हें देखकर तो कई दुम दबा के भाग जाया करते थे। चेहरे पर अजीब सा टैटू और गले में बड़ी सी माला पहन के आने वाले उमागा ने अपना WWE डेब्यू जमाल नाम से किया था। शुरुआत समय में रोमन रेंस के सगे भाई रोजी के साथ नजर आते थे और इनकी टैग टीम का नाम था 3 मिनट वार्निंग। उस टाइम ही रॉक के मैनेजर एरिक सबके लिए काम करते थे। बाद में WWE ने उमागा को बड़ा पुश दिया और यह बड़े हील के रूप में नजर आए। एक ऐसा भी दौर था जब जॉन सीना जैसे बड़े रेसलर्स के साथ इनकी तुलना की जाती थी। पर कहा जाता है दोस्तों कि उमागा को ड्रग्स लेने की आदत थी जिस वजह से कंपनी ने इन्हें रिलीज कर दिया। कहा जाता है WWE से जाने के 5 महीने बाद ही उमागा की मृत्यु हो गई और मात्र 36 साल की उम्र में उमागा मरे हुए मिले। चश्मदीदों की माने तो उमागा की नाक से खून निकल रहा था और बाद में इनके मौत की वजह हार्ट अटैक निकली। योकोजुना। योकोजुना WWE के सूमो पहलवान टाइप के रेसलर थे। ये WWE से जुड़ने के बाद ही कंपनी के टॉप स्टार्स में शामिल हो गए थे। अपने 5 साल के करियर में इन्होंने WWE में काफी ज्यादा नाम कमाया। योकोजुना एक बार वर्ल्ड चैंपियन और 2 बार टैग टीम चैंपियन बड़े आराम से बन गए थे। बढ़ते वजन के चलते दोस्तों कंपनी के साथ इनका पंगा हो गया। कंपनी ने इनसे वजन कम करने को बहुत बार कहा पर इन्होंने ऐसा नहीं किया जिस वजह से कंपनी ने इन्हें रिलीज कर दिया। कहा जाता है दोस्तों मात्र 35 साल की उम्र में योकोजुना का निधन हो गया। इंग्लैंड टूर पर ही अपने होटल के रूम में मृत पाए गए। रोजी। रोजी रोमन रेंस के सगे भाई थे और बड़े भाई थे। WWE सुपरस्टार रोजी का मात्र 47 साल की उम्र में निधन हो गया था। रोजी के परिवार द्वारा बताया गया था कि हार्ट फेलियर की वजह से रोजी की मृत्यु हो गई थी। पर यह भी सुनने को मिलता है दोस्तों कि 47 साल के रोजी का लगातार वजन बढ़ रहा था और अंत समय में इनका वजन 450 पाउंड हो गया था। रोमन रेंस को आज भी अपने भाई के जाने का बहुत दुख है। तो ये थे दोस्तों वे रेसलर जो रोमन रेंस के भाई लगते थे और इनकी हो गई थी मौत।